walang mga tayo. I love driving. They were taking my exam, these two girls. Hello, assalamu alaikum everyone. Welcome back to another video. Look, this is my Turkish driving license. अभी कुछ दिन पहले ही मुझे मिला ये लाइसेंस और अब मैं तुर्की की गलियों में 440 की स्पीड पर गाड़ियां चला सकता हूं और वो वक्त दूर नहीं है जब लोग हमें तुर्की का विन डीजल कहेंगे। आए हाय, और विन डीजल ते गंजा आ गया, तुसी टींडे बड़े पैड़े लगोगे, रहन दियो। और तू तो एक मिनट रुक जा यार परवीन। एनीवेज, आज की इस वीडियो में मैं आपको अपने ड्राइविंग लाइसेंस की कंप्लीट स्टोरी सुनाऊंगा। मैं आपको सब दिखाऊंगा कि तुर्की में मेरी ड्राइविंग की क्लासेस कैसी थी, मेरे टीचर्स कैसे थे और इस लाइसेंस को लेते रहे मेरे टोटल कितने पैसे लगे। तो वीडियो एंड तक देखना बिकॉज आई नो यू आर गोना एंजॉय इट। मुझे बहुत शर्मिंदगी से कहना पड़ रहा है कि मुझे थोड़ी सी इतनी सी भी गाड़ी चलाना नहीं आती थी, इसीलिए मैंने ज़रूरी समझा कि मैं प्रॉपर ड्राइविंग कोर्स करूं और बिल्कुल बेसिक लेवल से गाड़ी चलाना सीखूं। ओए होए, इस महीने 10,000 बिजली का बिल आ गया तो 5,000 दूध का बिल आ गया है। परवीन कितना ज़्यादा दूध पीना शुरू हो गया यार। वो की होया परवीन? और टैक्सी वाला हाफज का पुजारी मेरे पीछे पै गया सी। पहले कहंदा बाजी मैं तुहानू चाय पिलानी है, फिर मैनू कहंदा अपना इंस्टाग्राम दिओ। ते तेरे कोल ते इंस्टाग्राम है ही नहीं। ओही ते, फिर मैं उन्हें अपना टिकटॉक का अकाउंट दिता है ते मैं भज आई हूँ। काश तुहानू गड्डी चलानी आंदी हुंदी ते मैनू ए जानवरां दे मुँह ना लगना पैंदा। या अल्लाह, इन्हां दा ते कोई फायदा नहीं होगा मैनू। तू टेंशन ना लै परवीन, मैं जा रहा ते हुण मैं किसी ड्राइविंग स्कूल दाखला लैके ही आवांगा। Sharp right. मैंने तुर्की में काफी ड्राइविंग स्कूल्स को विजिट किया। ऑलमोस्ट सारे स्कूल्स ड्राइविंग कोर्स का 2,000 तुर्किश लिरा चार्ज कर रहे थे। मैंने जिस स्कूल को ज्वाइन किया इन्होंने मेरे से पूरे कोर्स का 1,800 तुर्किश लिरा चार्ज किया। इन्होंने मुझे 2 वीक्स की थ्योरी की क्लासेस दी, इन्होंने मुझे ड्राइविंग की 14 घंटे की क्लासेस दी। ये है ड्राइविंग स्कूल। तुर्की में ड्राइविंग के 2 टेस्ट होते हैं। सबसे पहले आपका थ्योरी का टेस्ट होता है। अगर आप थ्योरी का टेस्ट क्लियर कर लें फिर आप ड्राइविंग के लेसन ले सकते हैं। और सबसे एंड में होता है ड्राइविंग का टेस्ट। ड्राइविंग स्कूल को ज्वाइन करने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करना भी जरूरी थे। स्कूल वालों को मेरी 4 पिक्चर्स चाहिए थी, उनको मेरी ग्रेजुएशन की डिग्री चाहिए थी और इस डिग्री को तुर्किश में ट्रांसलेट करवा के और नोटराइज करा के स्कूल को सबमिट कराना था। इसके अलावा स्कूल वालों ने मेरे से हेल्थ रिपोर्ट भी मांगी। इस रिपोर्ट का मतलब ये था कि मुझे कोई मेजर बीमारी नहीं है। ये रिपोर्ट मुझे इजीली हॉस्पिटल से मिल गई थी। और लास्ट में स्कूल वालों को चाहिए थी मेरे तुर्किश रेजिडेंस कार्ड की एक फोटोकॉपी। मैं एक गल पूछ सकती हूँ? आहो पूछो। एक ग्रेजुएशन की होंदा है? ओ मैट्रिक फेल औरत, मैं तेनु बाद च दसदा। एनीवेज, मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए, स्कूल को उनकी फीस दी और मेरा ड्राइविंग स्कूल में दाखिला हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ड्राइविंग स्कूल में मेरा पहला दिन कैसा था। आज मेरा ड्राइविंग कोर्स का फर्स्ट डे है और 4 घंटे की थ्योरी की क्लास है। तो चलते हैं और देखते हैं कि ये 4 घंटे मुझे क्या पढ़ाते हैं। तो ये है हमारा स्कूल, ड्राइविंग स्कूल। ये ऑफिस यहाँ पे बना हुआ है, मेन ऑफिस। ये क्लासेस है यहाँ पे और ये इस रूम में मेरी क्लास है। एक घंटे की क्लास अभी खत्म हुई है, ये पहली ब्रेक है और यकीन मानो पूरी क्लास में कुछ समझ नहीं पड़ा, कुछ पल्ले नहीं पड़ा। दे आर जस्ट यूजिंग तुर्किश, नो इंग्लिश। Later that same evening. Finally lesson खत्म हो गया है। आज कुछ बातें समझ आई थी और कुछ नहीं समझ पा सका मैं, लेकिन मुझे कोर्स वालों ने ये बुक दी है, इस बुक के अंदर सब कुछ है। ये अच्छी तरह समझनी है मुझे, ये भी तुर्किश में है वैसे, लेकिन मैं समझ लूंगा ट्रांसलेट वगैरह करके। तो अब पढ़ाई करने का टाइम आ गया और कल फिर क्लास है। तो बाय फॉर नाउ। Day 2. आज ड्राइविंग स्कूल में हमारा सेकेंड डे है, आज फिर 4 घंटे की क्लास है। तो चलते हैं और पढ़ाई करते हैं। Several days later. So guys, आज finally theory के lessons खत्म हो गए हैं। आज final lesson था और ये मेरे teacher हैं, हो जाओ।
थैंक यू सो मच अशोक तशक्कर इंद्र है। हाँ, इन्होंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। अब मेरा थ्योरी का टेस्ट है कुछ दिन के बाद, पर एनीवेज थैंक यू टू दिस अमेजिंग पर्सन अगेन। योर वेलकम गुरु शुरु। अब वो दिन आ गया जिस दिन था मेरा थ्योरी का टेस्ट। आज फाइनली मेरा थ्योरी का टेस्ट है। ये मेरी रोल नंबर स्लिप है। अभी आधे घंटे बाद टेस्ट स्टार्ट होगा। मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ। तो ये है एग्जामिनेशन हॉल, ई सिनाव मरकज का मतलब इलेक्ट्रॉनिक एग्जामिनेशन हॉल। और ये सारे स्टूडेंट्स पहुँच चुके हैं। अभी आधा घंटा पड़ा है। मैंने थ्योरी का टेस्ट पास कर लिया, बड़े अच्छे मार्क्स भी आए और फिर हम अगले दिन पहुंच गए ड्राइविंग के लिए। तो आज मेरा फर्स्ट लेसन है ड्राइविंग का। आई एम वेरी एक्साइटेड, आज मुझे गाड़ी चलाने को मिलेगी। तो ये है हमारी गाड़ी और यहाँ पर ये लोग सिखाते हैं। दिस इज माय टीचर। आज मेरा दूसरा दिन है ड्राइविंग का। बहुत मजा आ रहा है। आई एम हैविंग सुपर फन। आज थोड़ी बहुत गलतियां भी हुई है, स्पेशली पार्किंग करते हुए। जब पीछे की तरफ जाओ या स्लोपी एरिया पे गाड़ी चलाओ, बड़ी मुश्किल है यार। आई डोंट नो, आई एम ट्राइंग टू इम्प्रूव। और मेरे टीचर बहुत अच्छे हैं। वो अभी जरा वॉशरूम गए हैं थोड़ा सा रिफ्रेश होने। पर एनीवेज मैं आपको अपनी गाड़ी दिखाता हूँ। तो इस गाड़ी की स्पेशलिटी ये है कि इस तरफ ट्रेनिंग बैठता है और इस तरफ ना ये कंट्रोल कर सकते हैं। तो मेरे जैसा नया नवेला बेवकूफ आदमी अगर कोई गलती करे तो वो हमारे टीचर उसको कंट्रोल कर सकते हैं। ये है वो जगह जहाँ पर ये पार्किंग करना सिखाते हैं। सबसे मुश्किल जगह यही है और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सीख ली है। मैंने गाड़ी पार्क की है अभी। वाओ, इट्स सो फन। आज मेरा लास्ट लेसन है ड्राइविंग का। मैं एक्साइटेड भी हूँ और थोड़ा सा डर भी लग रहा है क्योंकि अब मेरा डायरेक्ट टेस्ट होगा। तो टेस्ट में कोई भी गलती की तो नो लाइसेंस। एंड अगेन दिस इज द कार। ये वो गाड़ी है जिसपे अपन को रोज ये लोग ड्राइविंग सिखाते हैं। इसी तरह फिर कुछ दिन मैं ड्राइविंग के लाइसेंस लेता रहा और फिर फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन था मेरा ड्राइविंग का टेस्ट। गाइस, आज फाइनली मेरा ड्राइविंग का टेस्ट है। आज मुझे आई हैव टू ड्राइव अ कार और मेरी गाड़ी में मेरे साथ दो एग्जामिनर्स होंगे जो मोनिटर करेंगे कि मैं गाड़ी कैसे चलाता हूँ, इशारा वगैरह देता हूँ कि नहीं देता। तो आई होप मैं कोई मिस्टेक नहीं करूँगा इंशाल्लाह। सो लेट्स सी। So guys, finally I passed my exam. They are my teacher. They were taking my exam, these two girls. Thank you very much. Tashakkur idre. Okay. So this was my car. This is my teacher. So perfect. Tashakkur idre. Later. Finally mera jo hai wo certificate aa gaya. Let me show you. So this is Marth Abi. He is the owner. Ye mera certificate hai. So look at this. So thank you so much Marth Abi. तो ये इन ओनर है इस कंपनी के इंशाल्लाह। अगले दिन फिर मैंने अपने लाइसेंस कार्ड के लिए गवर्नमेंट ऑफिस में अप्लाई किया और मजीद मैंने 1099 तुर्किश लेरा गवर्नमेंट को पे किए जो कि लाइसेंस कार्ड की फीस थी। आज फाइनली मैं ये वाले ऑफिस में पहुंच गया हूँ। यहाँ पर मेरी अपॉइंटमेंट है। यहाँ पर ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं सबमिट कराऊंगा और कुछ दिन के बाद फिर मेरा लाइसेंस आ जाएगा। तो जाते हैं अंदर और सारे डॉक्यूमेंट्स इनको सबमिट कराते हैं। लेट्स गो। सो ये ऑफिस है जहाँ पर मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट कराने हैं। काफ़ी रश है। नंबर अभी 272 चल रहा है, मेरा 281 है। 3-4 दिन के बाद मेरा लाइसेंस मेरे घर पर आ गया था एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। फाइनली आई हैव माई ड्राइविंग लाइसेंस। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਾ ਗਏ ਹੋ। ਓ ਥੈਂਕ ਯੂ ਓਏ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਡੀ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣਗੇ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਪਾਪਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਗੇ ਪੈਸੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੇਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਟੈਕਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨਵਾਂ ਹੀ ਕੱਟਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮੇਂ ਮੇਰਾ ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਤੁਰਕਿਸ਼ ਲੇਰਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਬ ਮੈਂ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰ ਰਹਾ ਥਾ ਤੋ ਹਕਾਨ ਆਬੀ ਨੇ 2000 ਤੁਰਕਿਸ਼ ਲੇਰਾ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਸੇ ਕੋਰਸ ਕੀ ਫੀਸ ਪੇ ਕਰ ਦੀ ਥੀ। ਤੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਹਕਾਨ ਆਬੀ। ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਆਲ ਯਾਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਯੂਟਿਊਬ ਰੀਅਲ ਐਸਟੇਟ ਚੈਨਲ। ਆਈ ਐਮ ਹਕਾਨ ਅਜ਼ਰ। आई होप आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी ये ड्राइविंग की स्टोरी कैसी लगी। और अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक्स आएंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस
तुर्की में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो प्लीज लाइक दिस वीडियो, गिव मी 1000 लाइक्स प्लीज। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, जाने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि दिल खोल कर मचाओ शोर, और अगर कोई तुम्हें रोके तो उसे कहना खामोश। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर, शोर आउट।